नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। रंगदारी का मामला तो हमारे बिहार में काफी आम है, लेकिन पटना से एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो आपको प्रशासन पे सवाल करने पर मजबूर कर देगा। जहां पटना के पुनपुन इलाके में एक दुकानदार को रंगदारी न देना काफी महंगा पड़ गया और इसका खामियाजा उसे इस कदर भुगतना पड़ा कि लोगों ने उसे आकर जमकर पीट दिया और लात घूंसे चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी। ये वीडियो पटना के पुनपुन इलाके का बताया जा रहा है, जहां के सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मेडिकल दुकानदार से लगातार ये बदमाश जो है वो रंगदारी मांग रहे थे 50,000 रुपए, लेकिन वो दुकानदार उसे नजरअंदाज कर रहा था और इसका खामियाजा ये हुआ कि वो लोग उसकी दुकान पे आ धमके और उसकी जमकर पिटाई कर दी। अब इस पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है, साथ ही इसका सीसीटीवी फुटेज भी निकल के सामने आ रहा है। मेडिकल शॉप मालिक से रंगदारी मांगे जाने और उसकी पिटाई का यह मामला पटना के पुनपुन थाने इलाके का है। पिटाई की वारदात 5 अप्रैल की शाम 4 बजे के करीब का है। शॉप के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। बदमाशों ने जिसकी पिटाई की उसका नाम अभिराज कुमार है। पुनपुन में मेडिकल शॉप ब्लॉक चौराहे के पास है। बदमाशों के वहां पहुंचने से पहले दवाई खरीदने के लिए एक महिला और पुरुष कस्टमर वहां मौजूद थे। इनकी मांगी गई दवाई अभिराज खोज ही रहे थे कि बदमाशों ने वहां धावा बोल दिया, अभिराज को जमकर पीटा, उसके कपड़े भी फाड़ दिए, शॉप के अंदर तोड़फोड़ भी की, फिर वहां से भाग गए। अब इसका सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया है। इस पूरे मामले की FIR अपूरपुर थाने में दर्ज करा दी गई है। कुल 6 लोगों पर FIR दर्ज करवाई गई है, जिनमें 3 लोग जो है वो पहचान के हैं, बाकी 3 लोग अज्ञात हैं। फिलहाल पुलिस छापेमारी कर उन लोगों की तलाश में जुट चुकी है, लेकिन इस मामले के सामने आने से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर रंगदार इतने ज़्यादा हिम्मती क्यों हो जाते हैं। अगर प्रशासन जो है वो सख्त रहती तो शायद उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि पहले तो रंगदारी मांगे और उसके बाद न देने पर उसके ही दुकान में घुसकर पहले तोड़फोड़ करते हैं और लात और घूसों से उसका स्वागत करते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। अब ये देखने बात होगी कि इस मामले पर कार्रवाई कितने दिन में होती है, साथ ही उन 6 बदमाशों की गिरफ्तारी होती भी है या नहीं। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।